नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक वर्मा, राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र रांगवे एवं राष्ट्रीय कोषा अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश पांचल पहुंचे देपालपुर डाक बंगला परिसर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक वर्मा ने यहां पर पत्रकारों के साथ एक घंटा चर्चा की, उसके बाद यहां पर कार्यकारिणी का गठन किया गया। संबोधित करते हुए क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक वर्मा ने कहा कि पत्रकारों के हित के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी सभी पत्रकारों को मिलना चाहिए। देश में सेना के बाद सबसे बड़ा योगदान है तो वो है देश के मीडिया का, क्योंकि सेना जहां देश की रक्षा के लिए हरदम तैयार रहती है तो दूसरे स्थान पर पत्रकार का ही नाम आता है। इस देश का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पत्रकार ही है। पत्रकार भी अपनी जान की बाजी लगाकर कई खबर लाते हैं। कोई घोटाला हो या देश विदेश की खबर, दिन हो या रात हो, पत्रकार हमेशा खबर के लिए अपने परिवार को छोड़कर खबर के लिए जाता है। पत्रकार साथी को हर सुविधा मिले, डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि पत्रकार साथी की आवाज़ के लिए मैं हरदम तैयार हूँ। किसी भी प्रकार के साथ अगर कोई भी गलत व्यवहार करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, पूरी टीम तैयार है। और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरा फोन 24 घंटे चालू रहेगा। अतिथियों का स्वागत समाज सेवी डॉक्टर इंदर सिंह राठौर, हरिराम सोलंकी, हंसराज धाकड़, वरिष्ठ पत्रकार संजय सेन द्वारा किया गया। यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन की देपालपुर तहसील की कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष प्रभुलाल अग्रवाल व उपाध्यक्ष भारत जी बारोट को नियुक्त किया गया। नव नियुक्ति पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक वर्मा के साथ 24 अवतार मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने भगवान 24 अवतार की पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिए। यहां पर 24 अवतार मंदिर के मुख्य पुजारी राजेश शास्त्री द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक उद्देश्य है, कभी आप देखें तो हमारा मानना है कि जो भी हमारा मीडिया है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मैं मानता हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी आर्मी है, हमारी जो तीनों प्रकार की आर्मी थी, एयरफोर्स, देन आपका जो नेवी है, देन आपकी आर्मी है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और हमारा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है आज की तारीख में, मैं मानता हूँ कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आप देखें, कभी हम आर्मी की बात करें तो आर्मी जितने भी हमारे बाहर के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, उनसे लड़ती है। और जो हमारे पत्रकार भाई हैं वो जो हमारे हमारे अंदर हमारे जो भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जो हमारी भारत माता, जो हमारे भारत को खोखला कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई को हमारे पत्रकार लोग लड़ते हैं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे पत्रकार है। तो इसी का मूल उद्देश्य है हमारे संगठन का, और यही चीज़ मुझे पूरे राष्ट्र में फैलाना है और बताना है कि हमें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो हमारी आर्मी को मिला। देपालपुर से जीवन मौर्य की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।